बी मेक एब्स्ट्रैक्ट नाउन फ्रॉम द वर्ड्स गिवन बिलो वन हैज़ बीन डन फॉर यू. मीन्स अब क्या करना है हमें इसमें से, या तो क्वालिटी बनानी है या उसके आइडियाज़ बना सकते हैं. मीन्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन बताना है हमें, ठीक है, जो मैंने भी आपको समझाया. वाइज मीन्स वो इंसान वाइज है. अब हम उसकी क्वालिटी दर्शाने के लिए वहाँ विजडम यूज़ करेंगे, दैट ही इज़ विजडम. ओके. सेकेंड ऑनेस्ट. अब ऑनेस्ट मीन्स सच, लेकिन हम उसे एज अ क्वालिटी एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे यूज़ कर सकते हैं, ऑनेस्टी. थर्ड इंटेलिजेंट, इसको हम एज अ क्वालिटी क्या लिखेंगे, इंटेलिजेंस. फोर्थ ब्रेव, यानी कि वो ब्रेव है, लेकिन अगर हम उसे क्वालिटी की तरह यूज़ करेंगे तो हो जाएगा ब्रेवरी. फिफ्थ हेट का हेट्रेड. सिक्स स्केयर्स का स्केयर्सली. सी पिक आउट द नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस एंड राइट वेदर दे आर कॉमन, प्रॉपर, एब्स्ट्रैक्ट और कलेक्टिव. सो बेसिकली आज ये लास्ट नाउन मैंने आपको समझाया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एक बार हम छोटा सा रिविजन कर लेते हैं. पहले मैंने आपको समझाया था प्रॉपर नाउन, मीन्स किसी प्रॉपर पर्टिकुलर चीज़ का नाम, एक जगह का नाम, वो होते हैं प्रॉपर नाउन. सेकेंड मैंने आपको समझाया था कॉमन नाउन, जो कॉमनली सबके लिए यूज़ होता है. थर्ड मैंने आपको बताया था कलेक्टिव नाउन. कलेक्टिव नाउन मीन्स किसी को इकट्ठा करने के, इकट्ठा बोलने के लिए जो वर्ड यूज़ होता है. फोर्थ मैंने आपको बताया था मटेरियल नाउन, मीन्स वो जो चीज़ है वो किससे बनी है या किसको रिप्रेजेंट कर रही है, वो होता है मटेरियल नाउन. और लास्ट मैंने आपको आज सिखाया एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मीन्स क्वालिटी. सो ये बेसिकली हमको क्या करना है, इसमें मटेरियल नाउन तो उन्होंने नहीं दिया हुआ है, हमको चार दिए हुए हैं, कॉमन, प्रॉपर, एब्स्ट्रैक्ट और कलेक्टिव. हमको सेंटेंस में से अंडरलाइन करके बताना है कि ये वर्ड कौन से नाउन को प्रेजेंट कर रहा है. सो फर्स्ट हम करते हैं ही ट्रीट्स हिज चिल्ड्रन विथ ग्रेट काइंडनेस. इसमें चिल्ड्रन अंडरलाइन करेंगे और काइंडनेस अंडरलाइन करेंगे. चिल्ड्रन हमारा नाउन होगा कॉमन नाउन, क्योंकि हम हर बच्चे को चिल्ड्रन बोलेंगे, उसका नाम नहीं दिया है. सेकेंड काइंडनेस क्वालिटी हो गई, तो हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन. सेकेंड माय कज़न हैज़ अ डॉग कॉल्ड ब्रूनो. डॉग, हम सब डॉग के लिए डॉग यूज़ करते हैं, तो वो हो गया हमारा कॉमन नाउन. ओके, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है. सेकेंड ब्रूनो उसका नाम हो गया, तो वो हो जाएगा प्रॉपर नाउन. ओके. थर्ड देयर वॉज अ लार्ज क्राउड इन द स्ट्रीट. क्राउड मतलब बहुत सारे लोग, अगर बहुत जगह लोग हैं हम उसको कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, क्राउड. तो वो हो जाएगा हमारा कलेक्टिव नाउन. फर्स्ट क्राउड क्या हो जाएगा हमारा, कलेक्टिव नाउन. सेकेंड उसमें है स्ट्रीट. स्ट्रीट मीन्स जो रहता है हमारा रास्ता, कहीं का हम उसको स्ट्रीट बोलते हैं, रोडवे साइड. ओके, तो वो क्या हो जाएगा हमारा कॉमन, क्योंकि उसमें स्ट्रीट का नाम तो नहीं दिया हुआ है, उस जगह का नाम तो नहीं दिया हुआ है, वो हो जाएगा हमारा कॉमन. फोर्थ रमन टेक्स प्रॉपर केयर ऑफ हिज प्लांट्स. तो इसमें दो चीज़ें हैं, पहला है रमन. रमन क्या है, प्रॉपर नाउन. क्यों, क्योंकि उसका नाम दिया हुआ है. सेकेंड है प्लांट्स. प्लांट्स क्या है, कॉमन, क्योंकि प्लांट्स का नाम नहीं दिया हुआ है, हर प्लांट को हम प्लांट ही कहते हैं. फिफ्थ विदाउट हेल्थ देयर इज़ नो हैप्पीनेस. इसमें सिर्फ एक ही है, दैट इज़ हैप्पीनेस, और वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन. हैप्पीनेस क्वालिटी होती है. सिक्स कोलम्बस डिस्कवर्ड अमेरिका. अभी उसका नाम है कोलम्बस, तो ये प्रॉपर नाउन. अमेरिका ये एक प्रॉपर जगह का नाम है, एक सिटी का नाम है, तो प्रॉपर नाउन. नेक्स्ट पारुल इज काइंड टू बर्ड्स, शी फीड देम. पारुल एक नाम है, प्रॉपर नाउन. बर्ड्स, सब बर्ड्स को हम लोग बर्ड्स ही बोलते हैं, तो कॉमन नाउन. अब हमें क्या करना है नेक्स्ट, जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट क्वालिटी डज अ काइंड मैन हैव. तो काइंड मैन की क्वालिटी क्या होगी, काइंडनेस. इस तरीके से हमको नीचे दिए हुए क्वेश्चंस के आंसर करने हैं. फर्स्ट व्हाट क्वालिटी डज अ जेंटलमैन शो, तो हम लिख देंगे जेंटलनेस. उस वर्ड से ही हमको क्वालिटी बनानी है, बस एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह जैसे हमने बी वाला किया था वैसे ही करना है.
सेकेंड, व्हाट क्वालिटी डज अ क्लेवर मैन शो? अब क्लेवर से क्या? क्लेवरनेस. व्हाट क्वालिटी डज एन ऑनेस्ट शॉपकीपर शो? ऑनेस्ट से ऑनेस्टली. व्हाट क्वालिटी डज अ वाइज मैन पोजेस? अ वाइज मैन का हम क्या बनाएंगे? विजडम. व्हाट क्वालिटी डज अ ट्रू स्टोरी शो? ट्रू स्टोरी क्या हमें बताएगा? ट्रुथ, ऑब्वियसली बात है. सच्ची कहानी हमें क्या बताएगी? सच. नेक्स्ट, व्हाट क्वालिटी डज अ ब्यूटिफुल फेस शो? ब्यूटिफुल फेस जो है हमें उस पर क्या दिखेगा? ब्यूटी. व्हाट क्वालिटी डज अ प्राउड वुमेन पजेस? प्राउड वुमेन मीन्स किसी को घमंड होता है, हम उसको प्राइड लिखेंगे. व्हाट क्वालिटी डज अ क्रूल मैन शो? क्रूल मतलब जो होता है ना थोड़ा सा कठोर और वो, तो क्रूल्टी. व्हाट क्वालिटी डज एन इनोसेंट बॉय शो? इनोसेंट मीन्स मासूम, इनोसेंस. जैसे इंटेलिजेंट का इंटेलिजेंस, ऐसे इनोसेंट का इनोसेंस. व्हाट क्वालिटी डज अ ब्रेव फायरमैन शो? ब्रेव. यहाँ पे आप ऑनेस्ट, थर्ड वाला जो है ऑनेस्ट, यहाँ पे आप ऑनेस्टली नहीं लिखना, ऑनेस्टी लिखना. एल नहीं आएगा यहाँ पे, ऑनेस्टी, H O N E S T Y.